चारों यात्रा के बीच डीजे के धुन पर काले सूट पहनी लड़कियों ने राहुल के सामने छप्पड़ फाड़ डांस से हिला दी दुनिया। जी हाँ, आपको चले कि जैसे जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे, वैसे वैसे लगातार उनको जनमानस का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काले रंग की सूट पहने कुछ लड़कियां राहुल गांधी के सामने डीजे की धुन पर डांस करते हुए नजर आती है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखें। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर काले रंग की सूट पहने कुछ लड़कियाँ लगातार डांस करते हुए नजर आ रही, जिसका वीडियो लगातार इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बताया चले कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। लगातार उन्हें जनमानस का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा और ये यात्रा करीब 150 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर समाप्त होगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जहाँ जहाँ पर पद यात्रा कर रहे हैं उनके पीछे लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ता ही जा रहा है। तस्वीरें साफ गवाह कर रही कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का डंका बजने वाला है। लेकिन जिस तरीके से काले रंग के सूट पहने कुछ लड़कियां राहुल गांधी के सामने डीजे की धुन पर डांस करने लगती, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।